हाँ जी सारे सत श्रीकाल जी। ये अपना प्लांट आ जी कोई अद्धे किले च कुदरती खेती तहत सारे वीर जिस तरह पता ही है। ये अपने को बेंगनी है गई है लगी आ 10 मई की, तो यदी आ तीसरी तुड़ाई करते पे हूँ। ये पहला जिन्ना भी फ्रूट पिया ही वो सारा कहना है, तो 15 सितंबर की जी चालू हुई है, हूँ यदि तीसरी तुड़ाई कर लगे हैं। बहुत सोहना साइज वगैरह वा, शाइनिंग पूरी आ। तो ये जिस तरह अपन अद सितंबर तो लैके अक्तूबर तो अद नवंबर 2 महीने हो गए, उधरों अद फरवरी तो लैके फरवरी लास्ट में तड़ाई होगी शुरू ये फिर, तो अप्रैल के महीने तक ये तड़ाई दूगी। ये जिन्ना भी फ्रूट होगा इन्हें सीजन के 4-5 महीनों ये सारा ही बहुत सोहना होगा, तो कोई भी फ्रूट बोरर या दूसरी चीज़ का नुकसान नहीं अटैक होगा। दसा विचों तुहाडे दो कणे हो सकते जिस तरह ये कणा फ्रूट, ये भी मतलब सितंबर के महीने में ही होगा, अक्तूबर तो नवंबर में यह फ्रूट कणा नहीं होगा। सो इस करके 4-5 महीने इन्हों जरूर गौर करो, तो गर्मियों जोड़ा है वो ना लो। अपा ता करके बीजा ही 10 मई के लागे बन्ने ही, क्या कि जेडे हूँ आ बूटे व्डे हो तो उन्हां दी फ्रूटिंग वधिया स्टार्ट होवे। बैड ते बीजे आ, थले पराली दी मलचिंग कीती आ, नाल निक्का मोटा कोई घा फूस आ, एक करी चलो इहदी पटाई कर दांगे। ते जे किसे वीर ने नहीं लाए होणा बेंगन जिहड़े आपां लाए होणगे उह देणगे 10 तड़ाइयां, ते बेंगनी जिहड़ी आ उह 25 तों 30 तड़ाइयां जिहड़ियां वा 4-5 महीने दे जांदी आ बिना किसे कैमिकल तों ते ऑर्गेनिक पेस्टीसाइड तों। सो ये महीने आ जी इहनूं खाण वाले मेन, ये महीनिआं दे विच उगाओ इहनूं। बाकी जे कि वीर ने नहीं लाए हूँ तो तुम इदा करो कि हूँ ला लो पनीरी वगैरह वो तैयार करके बूटे लाओ, तो सियाल दे विच उन्हों रखो लिफाफे थले, तो फरवरी विच जो फ्रूटिंग आऊगी बड़ी वधिया होगी। बाकी इधरली साइड ते आ फलियां वा नाल ही बीनस का बैड, क्योंकि अपना फलों का बैड एक ये लीची के पौधे अगे नार दे 3 लीची तो इधर संतरा, ता करके आप इतने थोड़ी छोटी फसल लाई आ कि रोशनी तो हवा का सर्कुलेशन जरा वधिया बनया रहे। बाकी इधर अपनी सब्जी चलती पी, सो आ चक्कर आ। ओके वीरो, इस तो अलावा जो आप सारे पौधे जोड़े है बेंगनी या बेंगन के फरवरी महीने में लाने, अद फरवरी तो बाद लाने या मार्च के महीने लाने, जो मार्च अप्रैल का महीना लंघता तो मई के लास्ट में इन्हों फ्रूटिंग आ के स्टार्ट होनी है, जिहदी वजह करके उदों फिर टैंपरेचर काफ़ी हो जाता, 30 डिग्री तो उपर टैंपरेचर चल जाता, जिहदे करके फ्रूट बोरर ते स्टैम्प बोरर वालियां जिहड़ियां सुंडी ते पतंगे वगैरह हुंदे आ उहनां दिनां विच मीटिंग करदे आ, ते फ्रूट जिन्ना भी पींदा वो सारे दा सारा काणा हुंदा वा। तुसीं भावें जिन्ना मर्जी कैमिकल स्प्रेयां कर लो, ऑर्गेनिक स्प्रेयां कर लो, आपां इह चीज़ नूं नहीं रोक सकदे। कैमिकल स्प्रेयां जिहड़ियां तीजे चौथे दिन बाद करदे आ वो निरी जहर आ, उह चीज़ां तों बचो। बाकी वाइट फ्लाई का वो टाइम तो अटैक आ जाता, जिहड़े बेंगन के बूटे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंदे आ, ते वायरस की प्रॉब्लम जिहड़ी बेंगन के बूटे नूं ज़्यादा आउंदी आ। इस करके चाहे तुसीं बेंगनी लाउणी चाहे बेंगन लाउणे आ, कोशिश ये करो कि लागे फलियां वगैरह लगन, जिस तरह एक बन्ने हल्दी एक बन्ने फलियां वा, हल्दी जिहड़ी एंटीबायोटिक का काम भी करती आ, इनसैक्ट नूं दूर भी रखती आ। सो इस तरह हर एक बैड ते वक्खो वक्खरी चीज़ लाओ, तो बीमारियां दूर रहो, तो फिर तुहाडा नैचुरल जिहड़ी खेती हैगी बहुत उत्ते जाऊगी। ओके वीरो, धन्यवाद।